नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि सेंसेक्स इतने पॉइंट अप चला गया या निफ्टी इतने पॉइंट डाउन चला गया। तो ये देख के आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि आखिर ये निफ्टी और सेंसेक्स है क्या। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है इंडिया के अंदर दो स्टॉक एक्सचेंज है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंदर 6000 कंपनी लिस्टेड है, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसके अंदर 1700 कंपनी लिस्टेड है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 6000 कंपनी ऐसी है जिनके शेयर आप बाई और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडेक्स है। तो दोस्तों, आपको पता है किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ का पता लगाने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कि उस देश की कंपनियां कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर किसी देश की कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस कर रही हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं तो उस देश की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी। लेकिन अगर किसी देश की कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है और अच्छा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है तो उस देश की इकोनॉमी भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, एक समय में इतनी कंपनियों की परफॉर्मेंस ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है, तो उसके लिए एक सैंपल लिया जाता है। दोस्तों, BSE ने इंडिया की टॉप 30 कंपनी को सेलेक्ट किया और एक इंडेक्स बना दिया जिसको हम सेंसेक्स कहते हैं। ठीक ऐसे ही NSE ने इंडिया की टॉप 50 कंपनी को सेलेक्ट किया और एक इंडेक्स बना दिया जिसको हम निफ्टी कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, दो स्टॉक एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी और BSE को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स। चलो अब कुछ किताबी ज्ञान लेते हैं। सेंसिटिव और इंडेक्स, इन दोनों शब्दों से मिलकर बनाया है सेंसेक्स, सेंस प्लस ईएक्स। नेशनल और 50, इन दोनों शब्दों से मिलकर बनाया है निफ्टी, एन और इफ्टी। तो ऐसे ही कंपनियों की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए कुछ और इंडेक्स बना दिए, जैसे निफ्टी बैंक, इसके अंदर टॉप बैंक्स आते हैं। निफ्टी 100, इसके अंदर टॉप 100 कंपनीज आती हैं। निफ्टी FMCG, इसके अंदर टॉप ग्रोसरीज कंपनीज आती हैं। निफ्टी फार्मा, इसके अंदर टॉप फार्मा कंपनीज आती हैं। निफ्टी मेटल्स, इसके अंदर टॉप मेटल्स कंपनी आती हैं। निफ्टी IT, इसके अंदर टॉप ITs कंपनी आती हैं। निफ्टी 500, इसके अंदर टॉप 500 कंपनीज आती हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ मेन इंडेक्स के बारे में बात की, और भी काफ़ी इंडेक्स हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो NSE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे निफ्टी अप एंड डाउन कैसे जाता है। अगर 30 कंपनी अप जा रही है और 20 कंपनी डाउन जा रही है तो एवरेज निकल के ये आता है कि निफ्टी अप जा रहा है, और अगर 20 कंपनी अप जा रही है और 30 कंपनी डाउन जा रही है तो एवरेज निकल के ये आता है कि निफ्टी डाउन जा रहा है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं टॉप 5 कंपनीज ऑफ निफ्टी, निफ्टी की 5 टॉप कंपनी के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर पे आता है HDFC, ये हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है। HDFC बैंक, ये तो आप जानते हो कि HDFC बैंक इंडिया की नंबर 1 बैंक है। नंबर 3 पे आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये एक ग्रोसरीज कंपनी है। नंबर 2 पे आता है TCS, ये एक IT कंपनी है टाटा की, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। और नंबर 1 तो आप जानते ही हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी निफ्टी और सेंसेक्स की क्वेरी भी क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।